अच्छा फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक चार्जर का, जो कि आज पाकिस्तान में, इंडिया में, या बलूचिस्तान या कहीं जहाँ पर अभी चार्जर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बिजली तो है नहीं। बिजली बरसात की वजह से बिल्कुल ही बिजली ख़त्म हो चुकी है। तो उस वजह से मैंने, यार मेरे पास भी टच मोबाइल है, तो मैं थक गया था यार, कहाँ से चार्ज करूँ कहाँ से। फिर मैंने कहा कि क्यों ना मार्केट से लेके आए। मार्केट में भी लोकल चार्जर पड़े हुए हैं जिनकी आईसी बिल्कुल ख़राब हो जाती है या मोबाइल को डैमेज कर देते हैं। मुझे एक चार्जर मिला, बहुत ही कमाल का चार्जर है, मैं ये आपके सामने लाया हूँ। देखें, बहुत ही कमाल का चार्जर है ये, मुझे मिला मार्केट में। ये एसी डीसी चार्जर है, जो कि तकरीबन बहुत ही अच्छा चार्जर है। 3 पोर्ट वाला चार्जर है, ओके, जिसमें आप जो भी मोबाइल लगाएं, और फास्ट भी है, यानी कि आप इसमें एसी वाली जो भी लाइन है वहाँ भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट सोलर में भी लगा सकते हैं। ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पर ऑपरेटेड है, यानी कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, तो एक प्लेट तो कम से कम 20 वोल्ट निकालती है। तो ये आप इसमें लगाएं, और इसकी कमाल की बात ये है कि ये जो है पोलैरिटी फ्री है, यानी कि इसमें आप प्लस माइनस का कोई ख्याल नहीं रखना पड़ता। ये रहा आपका चार्जर, तो ये बिल्कुल ही कमाल का चार्जर है। तो इसमें पोलैरिटी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता कि प्लस कहाँ पर लगानी है या माइनस कहाँ पर लगानी है, जिसमें आए लगा दो। ये ऑटोमेटिक है, यानी कि इसमें जो है लगी हुई है एसी अंदर, और ये इसकी एसी पर जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट और 4.5 एम्पियर है, और जो डीसी का इसका आउटपुट है वो 5 वोल्ट और कुछ एम्पियर से 1-2 एम्पियर तक जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और मेरी जो मोबाइल है वो है वीवो Y30, तो इसको क्या करता है कि ये 1.5 घंटे में, तकरीबन मैंने लगाया था तो 60% कर दिया इसने 1.5 घंटे में। तो सुबह को मैंने अभी 10:30 बजे लगाया था, तो ये अभी 12:30 बजे मैंने निकाला, तो ये इस पर 100% हो गया। मैंने लगाया था 33% से। तो ये फास्ट भी है और रिलायबल है, और इसकी चार्जिंग जो है बहुत ही अच्छी कमाल की चार्जिंग चलती है ना, इसकी ख़राब नहीं है चार्जिंग इसकी। यानी कि ऐसे होते हैं कोई चार्जर्स जिसमें लगाने के बाद उसकी चार्जिंग जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है या बैटरी गर्म हो जाती है, मोबाइल भी गर्म नहीं होती। और ये कमाल का चार्जर है, बिल्कुल बहुत अच्छा। मैं इसको कोई कंपनी वम्पनी ने मुझे नहीं किया है, लेकिन मैंने ये लिया तो मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं इसको आपको लगा कर दिखाता हूँ, और सोलर में भी, और चलिए देखते हैं। अच्छा यार, इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी प्राइस जो मुझे मिली है, ये मिला है 500 रुपये, उसने कहा था, मैंने उसको 450 रुपये दिए। ये मेरे शहर से मिला है, इसका मार्स कंपनी का है और बहुत ही अच्छा है, एसी डीसी। तो इसको चेक करते हैं सोलर पे। बस ये मल्टीमीटर है, तो मैं इसको चेक करता हूँ, डीसी जो सप्लाई आ रही है सोलर से, उसको मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पर रखा है, जो कि आपके सामने है। तो अभी इसमें डायरेक्ट लगाते हैं। मेरे पास आ रही है ऊपर से, जो कि सोलर की लाइन आ रही है, तो इसको मैं लगाता हूँ के सामने। अच्छा यार, मैंने ये लगाया है, तो इसमें देखें के वोल्ट्स, देखें ये इस पे आ रहे हैं 17-18 वोल्ट आ रहे हैं ऊपर से, 17-18 वोल्ट जो आ रहे हैं इस पे। तो अब हमें इसको डायरेक्ट जो है ना वो लगा देंगे। अब ये मैंने चार्जर ले लिया है, यही सामने आपके सामने है, तो ये चार्जर आपके सामने है मार्स कंपनी का। तो इसके मैं क्लेम्स जो हों, एक किसी में भी, दोनों देखें कलर भी सेम ही है ना, ये मैंने दोनों लगा दिए। तो यहाँ पर देखें कि ये इसकी लाइट शुरू हो गई है, लाइट जल रही है इसकी। तो अब देखें इसकी लाइट जल रही है, मैंने कोई भी पोलैरिटी कहीं पर भी लगा सकते हैं। अभी मैं लाया हूँ इसकी जो USB मेल है, तो अच्छा, तो मैंने ये लगा दिया। तो अभी मैं इसका, मेरा जो चार्जर है वो सी टाइप है, तो मैं इसी वक्त इसमें अपने में लगाया है, और इसके साथ साथ मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये आप ऊपर से देख लें,
ये देख बिल्कुल ही बेस्ट तरीके से ये चार्जिंग कर रहा है। तो ये 85 है अभी, तो मैं इसको जो है ना अभी 85 है मैंने, तो ये अभी मेरी जो थी ये 90% थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी वीडियो? अगर आपको मालूमात में इजाफा हुआ ही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फिल फॉर मिल सके। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।